प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं और अब इस बार अपराधियों का शिकार हुए है एक 70 वर्षीय बुजुर्ग। प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर के जगाधरी में 70 साल के बुजुर्ग की चाकू और डंडों से हमला कर हत्या कर दी गई। ये घटना उस वक्त हुई जब ये बुजुर्ग एक दुकान पर सामान खरीद रहे थे, तभी रमन नाम के एक व्यक्ति ने चाकू और डंडों से उन पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कोई कस्टमर सामान लेने आया, पीछे से उसके कोई आया और उसने जो है डंडा डंडा मारा, चप्पू मारा, वो बंदा यहीं गिरा, मेरी घरवाली को भी लगा और वो फिर पीछे उसके घर कहने गए, उसके लड़के आ गए उसे। आपको बता दें कि बुजुर्ग ईश्वर दत्त तंत्र विद्या का काम करता था। हमला करने वाले रमन के मन में गुस्सा था कि उसके घर में जो कलह क्लेश चल रहा है ईश्वर दत्त की वजह से है। इसी गुस्से में ईश्वर दत्त को उसने मौत की गहरी नींद सुला दिया। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद सभी पहलू सामने आ जाएंगे। हमलावर ने एक बुजुर्ग को भी चाकू मारा है तो आप भी तो मैं तो मौके पे जाने के बाद पता लगा कि उस लेडीज को भी चाकू लगा था और जो बुजुर्ग था 70 साल का ईश्वर सिंह जो पढ़ाई का काम करता है तो उसको उसने उसकी दुकान के अंदर लेडीज की दुकान के अंदर उसने उसको चाकू से मार दिया और उसके बाद में उसकी हालांकि हमलावर अभी फरार है लेकिन पुलिस जल्द ही हमलावर को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी हमलावर को गिरफ्तार कर पाती है ताकि ये पता चल सके कि इस हत्या के पीछे रंजिश क्या थी।